सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 महिंद्रा XUV 700 AX5 सेलेक्ट 7 सीटर डीजल मैनुअल, जो कि आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 17.48 लाख रुपीज़, 17,48,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 20 लाख के आसपास ही आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। तो जो भी एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी प्लान कर रहे थे, बजट था 20 लाख का, उनको एक 7 सीटर डीजल एसयूवी चाहिए थी, साइज में बड़ी हो, प्रेजेंस हो गाड़ी की ज़बरदस्त, और लेटेस्ट सा कुछ प्रोडक्ट हो, तो ये उनके लिए बेस्ट है। 20 लाख के बजट के अंदर अब आप कह सकते हो कि ये सेगमेंट की किलर एसयूवी साबित हो सकती है। फीचर्स क्या क्या हैं वो भी टॉप नॉच है, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो डिमांड में हैं, कुछ ऐसे फीचर जो कि प्रैक्टिकल भी हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया, वेरियंट मैंने आपको बता दिया, डीजल मैनुअल है ये, और इसकी चाबियाँ कुछ इस तरीके की आती हैं। यहाँ पे आप देख लो, डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है, इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट आप अपना एक्सेस कर सकते हो, और ये सेम कंट्रोल्स अपना दूसरी चाबी में मिल जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल की भी आती है कुछ इस तरीके की, तो ये चाबियाँ कुछ इस तरीके की सेम कंट्रोल्स के साथ हैं, और पीछे महिंद्रा का लोगो। अब इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ शो कर दिए, इसके डायमेंशंस देख लेना, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है इस गाड़ी की। और पर्सनली मस्त लग रही है, जो बात है, मतलब जो फीचर्स वगैरह हैं, जिस तरीके से प्रोफाइल है, बढ़िया लग रही है। कुल मिला के प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उनकी बातचीत करते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे जो DRLs हैं वो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलती हैं, यहाँ पे जो फॉग लैंप्स हैं वो नहीं आते हैं, यहाँ पे जो सेटअप है वो आपको हेलोजन बेस देखने के लिए मिलेगा। लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी ये जो कूल सी चीज़ है जो इस हेडलैम्प को थोड़ा एग्रेशन देती है, इसकी DRL, ये यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये वेंट्स वगैरह अब यहाँ पे फंक्शनल मिलते हैं, ये फेक नहीं है। टोइंग की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, सामने से काफ़ी बड़ी सी ग्रिल मिलती है, और साइज़ के हिसाब से आप इसको देखते हो ना तो गजब की है। कहाँ क्रेटा, कहाँ सेल्टॉस, आस पास भी नहीं, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट 20 लाख और 20 लाख से ऊपर टच कर जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये तो मतलब साइज़ और प्राइस दोनों में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट ले जाती है, अगर कंपेयर आप उनसे करते हो एक SUV के हिसाब से। तो सामने ग्रिल की हम बातचीत कर रहे थे, काफ़ी बड़ी सी ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिलती है, महिंद्रा का लोगो है, ये स्ट्रिप्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी, और सामने से कुछ इतना एरिया इसको दिया हुआ है एयर इनटेक के लिए, तो अच्छी खासी कूलिंग के लिए हवा जाती रहेगी यहाँ से। और ये है इसकी पूरी प्रोफाइल, साइड से आपको दिखाऊं इसके टायर्स वगैरह और टायर सेक्शन क्या है सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर, उसकी बातचीत करें तो पहली चीज़ टायर्स यहाँ पे हैं MRF के, और टायर सेक्शन इनका है 235/65R17, 17 इंच के स्टील व्हील आएंगे, तो ये एक चीज़ अलग है यहाँ पे। और ये व्हील कैप्स कुछ ऐसे ही आएंगे, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग से लेने पड़ेंगे, ये इसके साथ ही आएंगे। तो आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिल जाती हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो 200mm की बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस भी आती है गाड़ी के साथ, और क्लैडिंग का रेशियो भी आप देखोगे, क्लैडिंग हो या फिर डोर बिडिंग्स वगैरह, अच्छी खासी दी हुई है। और पर्सनली इस गाड़ी की लुक्स मेरी फेवरेट्स में से हैं, तो अगर 20 लाख का आपका बजट है तो आँख बंद करके आप इस तरफ जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दे देती है आपको ये। ग्लॉसी ब्लैक ORMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, डोर हैंडल्स पॉपअप वाले आपको मिलते हैं जो कि पहले दिन से इसी के साथ आते ही हैं ये। तो और यहाँ पे प्लेन ग्लासेज हैं, ये पिलर जो हैं ग्लॉसी ब्लैक हैं, ये आप देखोगे कोई टेपिंग वगैरह नहीं है, एकदम बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक प्लस दिए हुए हैं। रूफ रिल्स हैं, और एक अमेजिंग सी चीज़, पूरी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको मिल जाती है। अभी एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये देखो पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है गाड़ी के अंदर, और यहाँ से डलेगा गाड़ी के अंदर डीजल और DEF, और ये कुछ इस तरीके से लॉक अनलॉक हो जाती है। जब भी आपकी गाड़ी लॉक होगी तो इसे आप नहीं खोल सकते, अनलॉक है तो आप सिंगल एक टैप से इसको खोल सकते हो, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं इसको लेके भी। यहाँ पे एडनॉक्स मेंशन है, और ये फ्रेम लाइन जो है ये एकदम ऐसे ब्लैक दी हुई है, बढ़िया से टेल लैंप्स मिलते हैं LED वाले, और काफ़ी शानदार लगते हैं, काफ़ी शार्प लगते हैं। ऊपर की साइड शार्पन एंटीना है, रूफ रिल्स हैं, स्पॉयलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, मस्त एकदम सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे कोई रिवर्स कैमरा वगैरह जो है वो नहीं दिया हुआ है, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक और दूसरा वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं। और यहाँ पे XUV 700 मेंशन है, और जो वेरिएंट है AX5 वो यहाँ पे मेंशन है, और सेलेक्ट का कोई ऐसे अलग से मार्क नहीं है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट इसके स्टील व्हील्स के थ्रू। और ये भी अगर आप एक्सेसरीज में करा लेते हो या फिर बाहर से आपका मन करे तो वो चीज़ आप करा लेते हो तो बता ही नहीं सकता कोई कि मतलब सेलेक्ट वेरियंट आपने लिया हुआ है, तो बढ़िया एकदम टॉप मॉडल जैसे ही लगेगा ये भी। तो इतनी सारी चीज़ें, बूट आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिल जाती है, जिसे प्रेस करते ही बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपको मिलती है, बाकी सीट जब आगे की तरफ ऐसे आप ट्रम्बल कर लेते हो, आगे की तरफ फोल्ड कर लेते हो, तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो जाती है ऑलमोस्ट 300-400 लीटर्स तक की। और इन्हें सिंपली आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, इतना बड़ा टास्क ये भी नहीं है, तो कुछ इस तरीके से एकदम फ्लैट सर्फेस यहाँ पर बन जाती है, तो ये भी अपना
ईजी सरफेस यहाँ पे बन जाती है कि कुछ भी सामान आप रखो, ईजिली निकालो, ईजिली रखो, तो वो चीज़ यहाँ पे और सहूलियत दे देती है आपको। रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि यहीं पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है और पीछे वाले जो वेंट्स हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे डायल भी आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स प्रॉपर दिए हुए हैं और यह सारी चीज़ें। और जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी का यहाँ नीचे की साइड आएगा। और अभी एक सेकंड इसको कर लेते हैं बंद और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर के अंदर क्या है जो उसको थोड़ा ऐसा सिलेक्ट वाला वेरिएंट बना देता है, तो कुछ इस तरीके से डोर हैंडल्स आते हैं। और डोर पैनल्स की बातचीत करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेज थोड़ी हाईलाइट में है, बाकी मेजोरिटी पार्ट जो है यहाँ पे ब्लैक ही दिया हुआ है। ग्लॉसी ग्रैब हैंडल है, चारों पार विंडोज हैं, डोर्स के लॉक, विंडोज के लॉक यहाँ पे दिए हुए हैं। ओआरएम्स के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड एंड फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे। ट्विटर स्पीकर सारी चीज़ें मिलती हैं, बोतल होल्डर यहाँ पे है। सीट जो है वो फैब्रिक की आती है, बट यहाँ पे इनके अंदर एक चीज़ ये भी है कि हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिल जाती है। और ये आप देख सकते हो सीट्स को थोड़ा हटा दें, मतलब इसके ऊपर लेदर वर्क आप करा लो तो यहाँ से भी आप नहीं कह सकते कहीं से कहीं तक कि मतलब आपने ऐसा कोई टॉप मॉडल नहीं लिया है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में कि जो फील है वो आपको अच्छी आती है। बाकी यहाँ पे जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो बीच में जो इस गाड़ी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएंगे इस डिस्प्ले के अंदर, वो आपको मतलब टैगल करनी है, आगे पीछे चेंज करनी है, सेट करनी है, तो वो आप यहाँ से करोगे। लाइट लेवलिंग डायल है, नीचे तीन पैडल्स हैं, डेड पैडल के लिए अलग से प्लेसमेंट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर की बातचीत करें तो एक चीज़ जो इसके बारे में कहनी पड़ेगी, बढ़िया थर्ड आती है। और ये देख लो वेलकम फीचर, अभी तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं है, सिंपल जस्ट मैं बैठा हूँ आके यहाँ पे। और इसको कर लेते हैं थोड़ी सी पीछे ताकि आपको व्यू अच्छा मिले। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिल जाती है, जैसे मैं एक बार ऐसे प्रेस करूँगा तो ये लो सब कुछ यहाँ पे ऑन हो चुका है। 7000 तक के RPM, 220 की टॉप स्पीड मार्किंग यहाँ पे चली जाती है। आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह आपको देखना हो, टाइम, ट्रिप, रियल टाइम इकोनॉमी वगैरह, गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी बेसिक और बेसिक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब आप यहाँ पे देखोगे। और बहुत ही बढ़िया सा डिजिटल है, मतलब ऐसा लगता नहीं बिल्कुल भी बचकाना सा, बिल्कुल चाइल्डिश नहीं लगता। नंबरिंग अच्छी है, विजिबल हैं चीज़ें अच्छे तरीके से, एनिमेशन बड़ी स्मूथ दी हुई है, तो ये एक मज़ेदार चीज़ लगती है इसके बारे में मुझे पर्सनली। आपके क्या ओपिनियंस है वो मुझे बताना कॉमेंट्स में। यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्स इंडिकेटर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। स्टेयरिंग की बातचीत करें तो काफ़ी हैवी सा स्टेयरिंग व्हील है, मतलब होल्ड करते ही पता चलता है कि हाँ एक एसयूवी के अंदर आप बैठे हो। यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, बाकी क्रूज कंट्रोल जो है वो नहीं आता है यहाँ पे। SRS एयरबैग यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। एडजस्टमेंट की इसकी बातचीत करें तो टिल्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन जो है नहीं है यहाँ पे। थोड़ी सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह आपको दी हुई हैं। तो ये थी यहाँ की बातचीत, अब ये चीज़ दिखाता हूँ एक साइड में, उससे पहले ऊपर देख लो पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है भाई। ये देखो, अगर इसके लिए आप कोई SUV ले रहे थे तो आप डेफिनेटली 20 लाख के अंदर इसको प्लान कर सकते हैं। और इसका कर्टन भी आप देख सकते हो कितना हैवी है, 1% लाइट को जो है पार नहीं होने देता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे वैनिटी मिरर है अपना, ये कुछ इस तरीके की वाइट लाइट यहाँ पे आपको मिलेंगी। सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, SOS की बटन यहाँ पे दी हुई है, सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है, एक मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे दिया हुआ है, और इधर की साइड टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। और मटेरियल जो है भाई वो काफ़ी सॉलिड है। बाकी ये है डैशबोर्ड का व्यू, सारी चीज़ें एकदम फाइन तरीके से दी हुई हैं, मतलब लेआउट जो है, ट्रिम जो है, लेयर्स हैं एक के ऊपर एक, कुछ इस तरीके से हैं कि देखने में भी अच्छी लगती हैं और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी लगती हैं, मतलब प्रीमियम सी एक वाइब जो है डेफिनेटली देती है यहाँ पर गाड़ी। सभी कनेक्टेड फीचर्स के साथ आएगा अपना ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम, और ये आप इसका फ्लो वगैरह जो है वो देख सकते हो, बढ़िया एकदम सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है पता भी नहीं चलेगा आपको। नीचे AC वेंट्स हैं, ये AC कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दी हुई है, और ये कुछ और कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं, पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हेजर लाइट की बटन, होम की बटन, स्क्रीन ऑफ की बटन, यहाँ पे थोड़ी स्पेस वगैरह आपको मिल जाती है, USB पोर्ट है, थोड़ी स्पेस यहाँ मिल जाती है, 6-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का आएगा, हैंड ब्रेक अपना क्रोम टिप के साथ, यहाँ पे थोड़ी और स्पेस आपको मिल जाती है कप होल्डर्स लाइक। और यहाँ की बातचीत करें तो और स्पेस आपको मिल जाती है, मतलब स्पेस के मामले में तो भर भर के यहाँ पे जगह दी हुई है। और ये है कुछ इस तरीके से, ये प्लास्टिक का है, कोई लेदर रैपिंग वगैरह जो है वो नहीं है, बाकी पोजीशन जो है इसकी वो अच्छी है, दोनों जो पैसेंजर्स हैं मतलब ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों के लिए सही पोजीशन पर है ये। ग्लो बॉक्स की बातचीत करें तो डुअल कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है।
मटेरियल जो है काफी सॉलिड है, मतलब कोई भी चीज आपको ऐसे हल्की फील नहीं होगी बिल्कुल भी कि आपको ऐसा लगे इतना पैसा डालने के बावजूद भी हमें मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो वो वाली चीज इसके अंदर नहीं है। हर चीज सॉलिड फील होती है। और दूसरी चीज, जब इतना ऊंचा आप बैठो, जब आपको बोनट व्यू क्लियर हो, तो फिर तो मजे ही आ जाते हैं पूरे। बाकी ये थी यहाँ की बातचीत, अभी चलते हैं रेयर सीट पे, पीछे से क्या फील देती है ये सिलेक्ट वेरियंट और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे और यहाँ की बातचीत हम करें तो सेम सारी चीजें मिलती हैं आपको, वही सेम बेज हाईलाइट है थोड़ी सी डोर पैनल के ऊपर, बाकी मेजोरिटी पार्ट जो है ब्लैक है। पावर विंडो की कंट्रोल है, ये अपना थोड़ा सिल्वर ग्रैब हैंडल है यहाँ पे ग्लॉसी ट्रिम के साथ, यहाँ पे स्पीकर है, बोतल होल्डर है और सीट को ट्रम्बल करने के लिए यहाँ पे अपना लिवर दिया हुआ है। आइसोफिक्स यहाँ पे अपने चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिल जाते हैं और एकदम फ्लैट सी सरफेस आती है, तो यहाँ पे कम्फर्ट जो है वो अच्छे लेवल पे चला जाता है। और ये आप देख सकते हो पूरे पैर जो है फैला लेता हूँ यहाँ पे, लेग रूम आप देख लो, थाई रूम में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना मेरे पास, मैं आराम से बैठा हूँ, पॉकेट नहीं है दोनों सीट्स पे, रेयर ए सी वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं बीच में और यहाँ पे टाइप सी चार्जर भी दिया हुआ है एक, और यहाँ पे स्पेस वगैरह फोन रखने के लिए, और यहाँ पे कोई हम्प नहीं है, 60-40 का ऑप्शन है। यहाँ पे आर्म रेस्ट आता है कप होल्डर्स के साथ और काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टेड हेडरेस्ट आएंगे, 7वां भी है बट ये सीट के अंदर इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पे रूफ माउंटेड जो लैंप्स हैं वो LED बेस आपको मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हुक्स भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और जो सीट बेल्ट हैं ये अपना हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती हैं। और ये देख लो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, अच्छा खासा इंटीरियर है गाड़ी का और अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं आपको 20 लाख के अंदर अंदर। सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लग रही है इसके अंदर वो है इसका साइज़ और एक 7-सीटर कैपेसिटी, वो इसके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी अपने साथ लेके आती है। बाकी अच्छी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अभी इंजन कैसा मिलता है, इंजन की पावर फिगर्स क्या है वो भी आपको दिखाया था हूँ, बाकी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। अभी चलते हैं इंजन की तरफ फटाफट से। तो अभी इंजन में की बातचीत करें उससे पहले एक चीज़ ये भी आप देख लो, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो LED सेटअप आता है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। इंजन की बातचीत करें उससे पहले ये देख लो, यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग भी आपको दी हुई है और यहाँ पे जो इंजन है वो आपको मिलता है 2198cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 182 bhp 420 nm का मैसिव टॉर्क, गजब की पावर है गाड़ी के अंदर। और 1 लीटर डीजल के अंदर कंपनी क्लेम करती है 70 kmpl की माइलेज, मतलब 1 लीटर डीजल के अंदर 17 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, बाकी उससे नीचे ही कहीं रहेगी, बट हाँ ये है कि डबल डिजिट में आपको इकोनॉमी निकाल के दे देगी। बाकी है शानदार से इसका डीजल इंजन, आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन काफ़ी बड़ा सा। अब इसको कर लेते हैं बंद एक साइड, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थे आपके सामने 2024 महिंद्रा XUV 700 AX5 सिलेक्ट डीजल मैनुअल। आई होप आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी और जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है उस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से अपने साइड बाय साइड चलने वाली किसी भी SUV की सेल्स को खा सकता है ये वाला वेन पर्सनली। मतलब एक अलॉयज को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी चीज़ें वो डिसेंट तरीके से यहाँ पे दी हुई हैं और आपको कमी फील नहीं होने देगा ये वेरियंट किसी भी चीज़ की। लाइक पैनोरामिक सनरूफ ही देख लो आप इसके अंदर, मतलब गजब की चीज़ है वो जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है ये। और आई होप आपको समझ में आई होगी कितना आपको अच्छा लगा ये वेरिएंट और क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, बताना मुझे कमेंट्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।